मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर शुक्रवार को सागर में चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और निवेशकों को आकर्षित करना था। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 23,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे 27,800 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। यही नहीं, सागर में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर भी बनने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी भी दी। 23,000 करोड़ का निवेश हमारी आज की सागर की कॉन्क्लेव में प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से लगभग 27,875 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये आंकड़ा इतना बड़ा है, ये उत्साहवर्धक है। 27,875 रोजगार के अवसर ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भविष्य में मिलने वाले हैं, जिसकी बृहत अर्थात बड़ी औद्योगिक इकाई, सूक्ष्म लघु और मध्यम औद्योगिक इकाई, ये सब मिला करके ये बड़ा सेक्टर हम कवर कर रहे हैं। डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से सुर्खी सागर में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। इसमें 1700 करोड़ का निवेश है और 500 से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अकेले सागर के अंदर का हमारा डेटा सेंटर पहला है, इसके बाद बाकी मालवा और भोपाल अन्य जगह प्रस्ताव आने लगेंगे। कॉन्क्लेव में 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की, जिनमें मंगोलिया, थाईलैंड, अल्जीरिया, केन्या, कनाडा और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, 150 विशिष्ट अतिथि, 700 से अधिक विशेष आमंत्रित सदस्य और 1000 से अधिक MSME प्रतिभागी शामिल थे। निवेशकों ने इस आयोजन और निवेश को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जो हमारा प्रपोजल है मध्य प्रदेश सरकार को, बेसिकली ये पोर्टेबल पेट्रोल पंप हब्स इंस्टॉल करने का है, जिसमें एक पेट्रोल पंप रहेगा, एक पोर्टेबल हब्स रहेगा। जैसे स्टेट की हमने देखे कि यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल बहुत अच्छा है, तो उसके लिए एक आउटलेट रहेगा। एक आउटलेट फार्मर्स के लिए रहेगा, ताकि उस एरिया की जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर किया जा सके। एक हम लग्जरी अकोमोडेशन दे रहे हैं 4 बेडरूम का। एग्जाम्पल के लिए कल हम लोग भोपाल से सागर आए हैं, तो अगर किसी को रास्ते में रुकना पड़े या कुछ और किसी को हो, कोई फीमेल्स हो, फॉरनर्स हो, तो मैं थोड़ा माफी चाहता हूं कि मुझे ऐसी कोई जगह नहीं लगी कि हम आराम से बैठ के एक इंटरनेशनल लेवल के लोगों को रोक सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल हब्स बनेंगे कि जिसमें परिवार के साथ या इंटरनेशनल उस पर रोका जा सकता है। हम लोग यहाँ पे करीब करीब 5 का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लेकर आ रहे हैं। हमारी एसोसिएशन यहाँ कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक और पैकेजिंग के उद्योग यहाँ आए। करीब करीब 1200 से 1400 लोगों को एक एक इंडस्ट्री में रोजगार मिलता है। 8 उद्योगों की प्लानिंग है, तो कम से कम 10,000 उद्योगों को रोजगार मिलेगा।